हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें, पापा बोले मिल गया प्रसाद। दोस्तों मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, बढ़िया चीज नहीं है। मैंने किया था 2 साल पहले, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने बोला फक ऑफ, ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने, मतलब मुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलाम। तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। तो बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो, मैंने बोला हाँ, पूरे ऑफिस अप्रेजल मिल गया और मैं वहीं का वहीं। तो बोल रहा कि तुमको नहीं निकाल रहे हैं यही तुम्हारा अप्रेजल। एक तो तुम रूड बहुत हो, तुम अपनी जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं, जूनियर हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मतलब बोला रवि सर क्या होता है, वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं, कॉल मी सर ओनली। तो बॉस ने बोला भाग, फक ऑफ। उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैं अपना पैशन फॉलो करने लग गया, मैं स्टैंड अप कर रहा था, शोज चल रहे थे, लाइफ बढ़िया चल रही थी, इंडिया घूम रहा था। फिर पैंडेमिक आ गया, अब मैं वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि पैशन और भूखमरी दोनों अलग चीज है, ये मुझे क्लियर हो गया। और याद है जब फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब हो गई थी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा थे, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, शमशान घाट पे लाइनें लगी हुई, लोग मर रहे हैं, मेरी फट गई। मैंने बोला यूपी चलते हैं, गाँव चलते हैं, वहाँ केसेस कम है। और मैं यूपी चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं, क्योंकि वहां लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई हुई, वहां भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं। मेरे गांव में कोरोना माता का मेला लगा हुआ है, वहां लोग जलेबियां खरीद के ले जा रहा है आधा आधा किलो, वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा, वहां तुम मास्क लगा लो तुमको गिल्ट फील में कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और जिसको कोविड है वो तो लगा ही नहीं, लगा तो बहन चो अब क्यों लगाना है। मैं मास्क लगा के घूम रहा था, एक बंदा बोला ज्यादा शो ऑफ मत करो। मैं दुकान पे चला गया, मैंने बोले ये मास्क दे दो, उसने बोला क्रिश 4 तो अभी आई ही नहीं, अभी कहां से मास्क दे दे। एक आदमी को मास्क लगाए हुए दिखाई दिया, मैं उसके पास चला गया, बोला थैंक यू सो मच यार, आप काफी जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हो। उसने गन निकाल ली, बोला पैसा निकालो, वहां मास्क सिर्फ डकैत लगा रहा है, वहां डॉक्टर्स भूखों मर रहे यार, कोई जा ही नहीं रहा उनके पास। मेरे पड़ोस में लड़का फॉरेन पढ़ाई करने गया था यूके डॉक्टरी की, और वहीं सेटल होने वाला था, फिर उसने स्वदेश मूवी देखी एंड इज लाइक, तो बंधन है जो कभी छूट नहीं सकता। मैं गांव जाऊंगा, वहां क्लिनिक खोलूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। उसने गांव में क्लिनिक खोल दिया, गरीबों ने चूतिया काट दिया उसको, कोई नहीं कर रहा, वो दिन भर मक्खियां मार रहा, बट उसको सेवा करनी है। तो डॉक्टर आदमी रात में तांत्रिक का काम करता है, वो लोगों का कोरोना उतार रहा है, वो नींबू पर डाल के दे रहा पैरासीटामोल कि चूसो भैंसो ठीक हो जाओ यार तुम बस। वो डोलो की भभूत बना के दे रहा है लोगों को, किसको जीप पे मर लेना है। वहां अलग माहौल है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूं, मैं दुकानों में जगह 1 हैंड डिस्टेंस पर खड़ा हो जा रहा हूं, लोग पीछे से धक्का दे रहे कि काहे टाइम पास कर रहा है, जगह तो खाली है। वहां बेचारे वैक्सीन वाले अभी भी घूम रहे कि पोलियो की तो लगवा लो यार। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे एक अंकल मास्क लगा के घूम रहे थे, नाक पे मुंह खुला हुआ था उनका। मैंने बोला चाचा ये क्या बकचोदी। तो बोला बेटा देखो ऐसा कि 12 तक हमने साइंस पढ़ी हुई है और उसमें हमें बताया गया था कि मुंह से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते और जहां से ऑक्सीजन लेते हैं वो छेद तो बंद है ना, भाग जाए यहां से।
मैं घर चला गया, मैं बहस नहीं करता इनसे। मैंने घर पे बोला, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा कि दिल्ली से आ रहा हूँ, 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहूँ क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा संभाल के रहना है, हम लोग को डिस्टेंस बनाना है, खाना वाना आप ऐसे नीचे सरका के देना। मम्मी बोली ठीक है। 5 मिनट के अंदर मम्मी चाय लगे मेरी छाती पे रख दी, पियो बेटा कुछ नहीं होता, पापा समोसा ले खड़े, खाओ ना बेटा खाओ ना। मैंने बोला समोसा इतनी जल्दी कैसे बना दिया? बोले बनाए कहा तो दुकान से लेके आ रहे। भीड़ लगी थी, धक्का मुक्की से होके आ रहे। यही सब तो नहीं करना है यार। और मैं इसी बता रहा हूं कि देखो, हम लोग लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ चुके हैं, अकेला हमको रहना अच्छा लगने लगा है, ठीक है। पर कोविड की वजह से हमको क्या करें, माँ बाप बोले कि बेटा आ जाओ, जब कुछ उखाड़ना था तब तो उखाड़ नहीं पाए, अब लॉकडाउन में क्या ही उखाड़ लोगे। तो उनकी बातों में सच्चाई लगी मुझे। जिन लोगों की तो कुछ दिनों पहले शादी हो गई वो तो लॉकडाउन मना रहे हैं, पर हमारे जैसे लोग फंसे हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ, काफी दिन बाद जब तुम अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हो तो कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं, तुम्हें उनके बारे में और उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती हैं कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बहुत इज्जत करता था अपने पिताजी की, फिर एक दिन मम्मी ने बोला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ। ये हालत है, बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि मुंबई गया था मैं 5 रुपए का नोट लेके और लाखों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। मैंने ओहो, पीछे से मम्मी चिल्ला रही है और जो मेरे बाप से कर्जा लिया था तुमने वो तो अभी तक नहीं मिले। ये हालत इनकी, 2 बार के बाद इनको चाय नहीं दे रही यार मम्मी। पापा चाय भी ऐसे ही मांगते कि दूध तो नहीं होगा ना घर पे। चलो ठीक है फिर, मैं न्यूज देख लेता हूं। और ये न्यूज देख रहे हैं, ये दिन दिन भर न्यूज देख रहे हैं। न्यूज वाले उतनी न्यूज नहीं बना पा रहे हैं जितने न्यूज देख रहे हैं। ये सेम न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे हैं कि चाइना में फट गया बम, फट गया बम चाइना में। अरे हर बार चौंक जा रहा, अरे पापा इतना न्यूज देख लिया, उनको लगता है इंडिया ने कर लिया है चाइना पे कब्जा। एक दिन मुझसे बोल रहे थे हम इनको अपने देश में मोमोज क्यों बेचने दे रहे हैं। मैंने बोला पापा ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। बोले जो भी हैं अपने देश जाए ना, आप तो पढ़े लिखे हो ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। और एक तो न्यूज देखना बंद करो यार फालतू की, जिन्होंने कोई इंडिया ने चाइना पे कब्जा नहीं किया हुआ है। बोले जब टीवी पे एंकर इतना चिल्ला रहा है तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। मैंने बोला एक तो अर्नब को देखना बंद करो, ये गांजा खा के न्यूज करता है, ये फूंक भी नहीं रहा, ये प्रॉपर पकौड़ियां तली जा रही और उसको खा के चला जा रहा न्यूज करने, और वहां पर भी उसको कम पड़ जा रहा है तो वही चिल्लाने लग रहा मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव था पापा को लेके, अब पापा भी मुझे देख ही रहे ना, उनको भी लग रहा है कि इस नल्ले को प्रॉपर्टी देने वाला था मैं, तो बेकार है यार, 12 के बाद पहाड़ा नहीं आता इसको, अभी बाएं हाथ से लिखता है, 15 साल से कब्ज है इसको, कल दही के साथ मोमोज पेल गया था मेयोनीज समझ कर। दिन भर पड़ा रहता है, नाभि में से रुई निकालता रहता है। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं, सबकी नाभि से रुई निकलती, बस मेरा स्टार्टअप का प्लान, मैं उसका तकिया बनाऊं, मैं कपास की खेती करूंगा और शार्क टैंक में चला जाऊंगा मैं कि 0% इन्वेस्टमेंट 100% इक्विटी। ये तो सीखा इतने दिनों। बट देखो ऐसी बात नहीं कि मैंने इज्जत कमाई नहीं, बस इन लोगों ने देखी नहीं। जैसे कहा आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोफेशनल, ऐसे नहीं जो भी आए।
मुझे काम मिल रहा है। कल मैं गया था किटी पार्टी में परफॉर्म करने, तो 1200 रुपए उन्होंने ऐसे से करके दिए। पर ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में कुछ, जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी शोज करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज भी करता हूँ। जैसे पिछले महीने एक बहुत बड़ा शो किया था मैंने, और उन लोगों ने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी यार, BMW। और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, उस कंपनी के CEOs जैसे मेरे को मोटी मोटी मालाएं पहनाने लग गए। तो एक बार तो मुझे लगा कि बलि अभी भी दे रहे हैं क्या इंडिया में, ये तो बैन हो गया था यार। फिर उन्होंने मुझे अंदर ले जाके एक पैनल में बिठा दिया जहाँ उनकी कंपनी के लोग थे, और वहाँ उनकी प्रेजेंटेशन चल रही थी। वो मुझे दिखा रहे कि देखिए मिस्टर रायजादा, हमने 13 trillion का कारोबार जकार्ता में किया है, मेरा 13000 रुपये फंसा हुआ है। फिर थोड़ी देर में मेरे बारे में मुझे प्रेजेंटेशन देने लग गए कि आपका नाम रवि गुप्ता है और आपका जन्म वाराणसी में हुआ है। आप देख, एक टाइम पे मुझे लगा मैं मर गया हूं क्या, ये मेरी जीवनी क्यों बता रहा है। आप बड़े ही हंसमुख स्वभाव के, तभी तो स्टैंड अप कर रहा हूं यार। और वो सब चीजें देखे, मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलने ही लग गए कि काश मम्मी पापा यहाँ होते, तो उनको लगता उनका लौंडा कितनी तरक्की कर गया। पर मम्मी पापा ने मुझे ऐसे ही देखा है कि मेरे को कुत्ता दौड़ा रहा है, मेरा पैर टट्टी पे पड़ गया है, मम्मी वही छत से ही चिल्ला रही, अंदर मैं चप्पल फेंक के मारूंगी जो बाहर से नहा के आओ। बाहर से कैसे नहा के आऊं यार मैं। मम्मी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। मम्मी मेरी चलती हुई जूम कॉल पे स्क्रीन साफ करने लग जा रहे, मैं उनकी सफाई के बीच में आ गया था, इसको भी रगड़ ही देते। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं कुछ भी खा रहा हूँ ना, मेरे को स्मेल आ रहा है ना टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा मैं कुछ भी खा रहा हूँ। तो मम्मी बोल रही है मैं पागलों की तरह किचन में काम कर रही हूँ, इन नवाबजादे को टेस्ट नहीं आ रहा है, जाके अपने बाप से बोल दो रेस्टोरेंट खोल दे तुम्हारे लिए। मैंने बोला ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं शुरू समझा रहा हूँ कि कोरोना एक बीमारी आई जिसमें आप कुछ भी खाओगे कुछ भी पियोगे ना स्मेल आएगा ना टेस्ट आएगा। मैंने बोली ऐसा है क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने बोला हाँ। बोले इससे बढ़िया क्या है, ढेर सारा करेले का जूस पी लो, जब पता ही नहीं चल रहा है तो पी लो ढेर सारा करेले जूस, हेल्दी हो जाओ, इसे कहते हैं आपदा में अवसर। देखो हम घर पे अजीब गरीब चीजें कर रहे हैं जो हमने जीवन में कभी नहीं की, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हम फंसे हुए हैं। हम घर पे पिज्जा बना रहे हैं और वो पिज्जा इतना घटिया है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें परसों के परवल के टॉपिंग्स डाल रखे हैं इन्होंने। हम बस इसलिए खुश है कि बाहर से खरीदते तो 600 का पड़ता। हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद, बाहर पुलिस वाले पीट रहे अंदर घर वाले, कहां ही चले जाओगे यार तुम। मैं घर पे 18वीं बार अपनी दीदी की शादी की कैसेट देख रहा हूं, और जैसे ही विदाई आ रही मम्मी रोने लग रही, हमारी लड़की छोड़ के गई। हम कहे तुम्हारी लड़की छोड़ के नहीं गई, ये बगल बैठ के कड़ाही चाट रही है, ये अपने पति को पीट के आई, FIR कर रखा है ससुराल वालों ने, वापस नहीं लेके जा रहे। देखो थोड़ी ट्रेजेडी थी मेरे घर पे, जैसे मेरी बहन की जब शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ऐसे दिखाया गया था पंडित जी को, तो पंडित जी ने बोला कि अरे ये तो मांगलिक है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। तो दीदी थोड़ी खुश हुई थी, पर मम्मी को दामाद जिंदा चाहिए था, तो मम्मी बोला इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने सोल्यूशन बताया कि इसकी शादी पेड़ से करवा दोगे ना, मजा ही आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि ये गलत है, मैं छोटा था बट मुझे समझ में आ रहा है ये गलत है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ चीज नहीं होता। पर उसकी शादी पेड़ से करवा रहे थे लोग, मेरे सामने मेरी बहन की शादी पेड़ से करवा रहे, वो पेड़ के साथ फेरे ले रही है और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन आंधिया ही पेड़ ही उखड़ गया।
मुझे लगा सच में तो नहीं चुड़ैल लिए, अरे भगाओ यार इसको। हेलो नमस्ते, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक पहुंचे तो आपने पूरी वीडियो देख ली। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक और थैंक यू कहना चाहूंगा मैं कल की चिंता खत्म करने के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो पे जॉब एंड पैशन पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिकॉज ऑफ यू, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देने के लिए बैठा हूँ वो ये है कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो लेके। मैंने एक पूरा टूर डाल रखा है, मैं कल की चिंता नहीं करता कि नाम से स्टैंड अप कॉमेडी टूर होगा, और ये दिल के मेरे बहुत करीब है क्योंकि बड़ी काफी टाइम से इस पर मेहनत कर रहा हूँ, काफी सालों की मेहनत है। टिकट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप नीचे क्लिक करोगे तो आपको आपका शहर का लिंक मिल जाएगा, वहां से टिकट बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि आपके शहर नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वो बाद में लिस्ट कर दूंगा। अभी के लिए बस यही है कि यार शो में आओ, क्योंकि काफी अच्छा लगता है, लाइव शोज बहुत ज्यादा फनी होते हैं। यहाँ यूट्यूब पे जितना मजा है उससे ज्यादा मजा आएगा। अगर आपने स्टैंड अप कभी देखा भी नहीं तो भी आओ, आप देखने लग जाओगे। और बाकी कुछ नहीं यार, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट्स मैं देता हूँ। शोज की कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम लाइफ की नहीं है बट शो से रिलेटेड कोई भी बातचीत है तो वहां से बात कर सकते हैं। और कमेंट कर दो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, मेरे लिए काफी जरूरी है आपका फीडबैक। बाकी चिल करो, वीडियो एंजॉय करो, अगली वीडियो आ जाएगी कुछ दिन में, लेकिन उससे पहले शो पे आ जाओ। थैंक यू सो मच। जैसे अम्मा छत पे कैरी सुखाती है, जितनी पुरानी हो उतनी सुहाती, इसका ना धर्म ना कोई भी जाती है, सांसे दिया धड़कन इसकी।